इसको जी रात को ख्वाब बहुत आते हैं, ज्यादा सांप दिखते हैं और सांप से बच भी जाता हूँ। अरसा दराज से आ रहे हैं ये मुझे, रात में ख्वाब आते हैं। हाँ, ये लगता है कि ख्वाबों की वजह से परेशान हैं जिस तरह इन्होंने बयान किया, और इस तरह के डरावने ख्वाब इनको आते रहते हैं। तो प्यारे भाई, एक तो आप अपनी आदत बनाइए, तमाम ही इस्लाम भाई इसकी नियत भी अगर हो सके तो कर लें कि बावजू सोएं, इसकी बड़ी बरकतें हैं। एक तो इंशाल्लाह जो आपको सवाब मिलेगा, और दूसरा ये है कि बुरे ख्वाबों के असर से आप महफूज रहेंगे। देखिए, जो साफ़ सुथरा रहता है, पाक साफ रहता है नापाकियों से, गंदगियों से, ज़ाहरी और बातनी हर तरह से अपने आप को बचाता है, तो ख्यालात भी अच्छे होते हैं और ख्वाब भी अच्छे होते हैं। दूसरा, सोते वक्त एक बड़ी तादाद है जिनको ये नहीं परवाह होती कि मैं जो सोने जा रहा हूँ तो ये भी कोई एक काम है और इससे पहले भी कुछ एहतमाम करना चाहिए। बस नींद आ गई, गए पड़े, जहाँ पड़े गिर गए, सो गए उल्टे सीधे, जैसे भी थे, जिस भी हालत में थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके भी आदाब हैं, सुन्नतें हैं। बावजू सोएं, सीधी करवट सोएं, किबला की तरफ मुंह करके सोएं, सोने से पहले जो है वो दुआ पढ़ लें, इसी तरह वज़ाइफ़ वगैरह पढ़ के सोएं। हमारी आखिरी गुफ्तगु जो है वो दुनियावी गुफ्तगु के बजाय कोई या तो इल्मे दीन की बात करें या जिक्र इलाही अज़्ज़ा वजल हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब ये चीज़ करेंगे तो बहुत सों के मसाइल अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएंगे। इसका अहतमाम करें। जो उल्टा सोते हैं बाज़ औक़ात, इसको तो बहुत नापसंदीदा करार दिया गया है, यानी पेट के बल सो जाते हैं, तो ये बहुत बुरा है। यूं भी ना सोएं, इससे भी बुरे ख्वाब आते हैं। और दूसरा, अगर ख्वाब बहुत तंग करते हों, डरावने ख्वाब आते हों, तो सोने से कबल एक वजीफ़ा है, या मुतकब्बिरु 21 मरतबा अव्वल आखिर तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ लें, इसकी आदत बनाएं और इसको कंटिन्यू रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बुरे और डरावने ख्वाब आते हैं उनसे हिफाजत हो जाएगी। या मुतकब्बिरु 21 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के सो जाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल डरावने ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।